मेरा नाम संजय कुमार, मैं बोकारो झारखंड से हूँ। आज मैं यहाँ आपको स्टेंसिल के माध्यम से किसी भी खाली स्थान को रंगों से और डिज़ाइन से भरने को बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले हम एक सीट लेंगे। उस सीट पर जो डिज़ाइन हमें बनाने हैं उसे हम पहले ड्रॉ करेंगे इस प्रकार। ध्यान देंगे कि ड्राइंग बनाते समय एक घेरा, जैसे ये घेरा है ड्राइंग का, उस घेरे के दूसरा घेरा उसमें नज़दीक नहीं टच हो, थोड़ी दूरी बनी रहे। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब हम इस स्टेंसिल को कट करेंगे तो उस वक्त हमारा ये स्टेंसिल टूटेगा नहीं। ये बेसिक फंडामेंटल है जिसको हम ध्यान देंगे। अब जो है इसे इस तरह से ड्राइंग ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा इस तरह से इसे कंपोज किया, जैसे लगे कि एक पूरी ड्राइंग बन चुकी है। अगर आवश्यकता पड़ी तो आप रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार हमने एक ड्रॉ सीट कर लिया है। अब हम इसे काटने के लिए एक रबर, ये ब्लेड, थर्मोकोल कटर, पेपर कटर या सीजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक ब्लेड लेंगे, उससे इस सीट को काटेंगे। जहाँ जहाँ ये ड्रॉ है उस स्थिति पे हम ब्लेड को धीरे धीरे चलाएंगे और पेपर का जो एक कट भाग है इसे हम सावधानी पूर्वक इसे निकाल कर अलग रख देंगे। इस प्रकार ध्यान रखेंगे सावधानी कि कट करते समय हमारा हाथ न कटने पाए। अगर वैसी स्थिति है, बच्चे छोटे हैं तो वो अपने किसी गार्जियन के अंडर सुपरविज़न में वो ऐसा काम करें जिससे दुर्घटना ना हो और किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो पाए। यह एक से अधिक एक जैसे चित्र बनाने के बहुत ही सरल उपाय हैं, बशर्ते कि आप जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं उस चीज़ की ये एक यूनिट डिज़ाइन कट जाए। अगर जिन्हें ड्राइंग, फ्री हैंड ड्राइंग करने की क्षमता न हो या फिर वो नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए है कि वो कहीं से एक ड्राइंग ट्रेस कर लेंगे और ट्रेस करने के बाद कार्बन या किसी ट्रेसिंग पेपर की मदद से वो उसे ड्रॉ कर लेंगे सीट पे। बनाते समय उसके बाद सावधानी पूर्वक उस भाग को काट कर अलग कर देंगे जिस भाग को दाग बनाना है पेपर पे। इससे हम बड़े से बड़े क्षेत्र को भी तेज़ी से कम समय में और अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं, सजा सकते हैं। थोड़ा सा हिस्सा और बच गया, इसे भी हम काट लेंगे। इस प्रकार
ऐसे यहाँ से कट लगाकर हम कैंची की भी मदद से इसे काट सकते हैं, थोड़ा तेजी होगा। बड़े वाले हिस्से में कैंची से काटना थोड़ा आसान होता है, जिससे हम जल्दीबाजी से अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। छोटे हिस्से को काटने के लिए हमें ब्लेड का इस्तेमाल करना होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे जो हिस्सा हमें कागज पे उभारना है उस हिस्से को हम काट के अलग करेंगे, लेकिन जो हिस्सा हमें स्टेंसिल पेपर के बेस से चिपका कर रखना है उस हिस्से को सावधानी से हम कटने नहीं देंगे, इसके सावधानी बरतेंगे। इस प्रकार से एक लास्ट हिस्सा बच गया। इस तरह से हमने देखा कि हमने एक स्टेंसिल काटा है, पहले हमने एक ड्राइंग इस पेपर पे बनाया, फिर उस ड्राइंग के कुछ भाग को हमने काट कर अलग कर दिया। इस तरह एक हिस्सा हमारा तैयार हो गया। ये हिस्सा आर पार, अब इस हिस्से को दोबारा दिखा दीजिए। वो अब हम जैसे इस हिस्से को यहाँ ऐसे रखते हैं तो ये हमारा जो हिस्सा पीछे का दिख रहा है वो हिस्सा कवर होकर प्रिंट होगा और वो छप जाएगा। इसके लिए हम कुछ और सामान लेते हैं, सीना तो चल रहा है, जैसे एक रुई, एक कलर, कलर लेंगे, थोड़ा सा पानी लेकर के कलर को हम हल्के से डाइल्यूट कर देंगे, जिससे कि एक प्लेट में भी हम कलर को फैला लेंगे। इस प्रकार से स्पंज में हमारा कलर आ गया। ध्यान रखेंगे कि कलर ज़्यादा मात्रा में ना हो। अब इस तरह से हाथों से स्टेंसिल को दबा देंगे और दबाकर ऐसा पैचिंग जहाँ जहाँ हमारा हिस्सा कटा है उस हिस्से को हम धीरे धीरे भरेंगे। पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो, अगर कलर में पानी की मात्रा है और अगर हम कहीं फर्श पर कर रहे हैं या दीवार पर एनामल कलर से तो उसमें केरोसिन या जो तारपीन का तेल से जिससे हम उसे डाइल्यूट करते हैं उस मीडियम को थोड़ा कम मात्रा में रखेंगे। थोड़ा गाढ़ा रंग रहना चाहिए जिससे कि इसका फैलाव ना हो अधिक, और इसके फैलाव होने से स्टेंसिल के जो कॉर्नर्स हैं कटे हुए उससे बाहर ये चित्र ना जाएं, जिससे आपका बनाया हुआ डिज़ाइन इस प्रकार से हम इसे हटा देंगे।
जो हमने एक डिज़ाइन तैयार किया था वो डिज़ाइन बन चुका है, ये एक तरीका हुआ। अब हम इसी प्रकार से स्टेंसिल से, कुछ स्टेंसिल पहले से हमने बना रखा है ये, अब हम एक दूसरा पेपर लेंगे, मान लिया कि इस पेपर को हमें अच्छे ढंग से डेकोरेट करना है तो कुछ छोटे छोटे डिज़ाइंस के जो कुछ यूनिट्स होते हैं वो इस प्रकार से हमने डिज़ाइन को कट किया है, जैसे ये रनिंग डिज़ाइन है, किसी किनारे किसी भी पृष्ठ के किनारे हिस्से पर इसको लगाकर हम चारों तरफ से एक बॉर्डर जैसा बना सकते हैं, छोटा छोटा डिज़ाइन फिर उससे एक बीच का ये हम तैयार कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको यहाँ एक हल्का सा करके दिखाता हूँ, एक बार फिर से स्टेंसिल को जिस स्थान पर करना है वहाँ हमने शेड्यूल किया, अब पुनः हम एक बार फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। अगर कलर हल्की हो जाए तो हम इसे कलर को थोड़ा सा बाहर और घोल लेंगे जिससे ये गाढ़ा होगा और एक बार में ही सुविधाजनक रूप से ये गहरे रंग से लग जाएगा। इसमें एक छोटे छोटे यूनिट्स बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा पेज, जितने पेज पर आपको ये ड्राइंग बनाने हैं वो सारे के सारे पेज पर आप ऐसा करेंगे। अब इसको हम इस तरीके से मोड़कर इसी डिज़ाइन को पुनः उल्टे रूप से रख देंगे और रख कर सावधानी बरतेंगे, अगर बीच का डिस्टेंस कम हो तो उसको सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये स्पंज है, अतिरिक्त जो पानी का भाग है उसे वो सोख लेता है, और सावधानी से इसे ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार से ये एक किनारा हमारा भर गया, इस ओर भी। अब इसे एक बार फिर से ऐसा करते हैं कि चारों तरफ से ये ड्राइंग का बॉर्डर जो है बन जाए शीट पे। जब ये पूरा बन जाता है तेज़ी से, देखा आपने कितना कम समय लगा। अब एक बार फिर इस ओर हम इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, छोटे छोटे यूनिट्स तैयार करके डिज़ाइन के, उनको जोड़ जोड़ कर बहुत बड़े क्षेत्र में इसे रंगोली या अन्य प्रकार के दीवारों पर कोई कलाकृति या किसी को कुछ पेपर गिफ्ट देने हैं, इस तरह से उसे तैयार करके, या कोई डिस्प्ले में अगर हम किसी पार्ट को लिखते हैं तो ऐसी स्थिति में हम इसको तैयार करते हैं और इस प्रकार से इसे दिखलाया जा सकता है। इसे सावधानी बरतेंगे, ये देखिए ये चारों तरफ से एक प्रकार से एक बॉर्डर की तरह, थोड़ा सा इसको फिर से स्पंज में जितना कलर था वो लग जाने के बाद बहुत हल्के मात्रा में आप एक बार फिर से इसमें कलर लेंगे। ध्यान रखेंगे इसको दबाकर उठाने का, ये ऐसे इस प्रकार से थोड़ी धीरे धीरे, जिससे कि आपकी सुविधा, आपको सुविधा हो। आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से एक सामान्य सा पेज क्लियर हो गया। अब इसको बीच से अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं तो एक मैंने एक स्टेंसिल यहाँ काट रखा है, थोड़ा सा मोटा हार्ड पेपर है, ऐसे अगर एनामल कलर यूज़ करते हैं तो उस जगह पर इस कार्ड के बदले आप एक्सरे पेपर जो ख़राब हो चुकी है, यूजलेस है, उस पर इस प्रकार के डिज़ाइन आप कट कर सकते हैं। ऐसे बीच में रखा, थोड़ा सा पानी लिया, सूख चुका है, पुनः एक बार इसे
थोड़ी सी सावधानी बरतते ही। ये इस प्रकार से ठीक इसी प्रकार एक और पेपर लिया। अगर हम कोई फूल बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमें छोटे छोटे ये दो यूनिट्स छोटे छोटे ये दो यूनिट्स हम काट कट करके रखेंगे और इन दो यूनिट से हम कोई गुलदस्ता या किसी प्रकार का ऐसा हम खुद से कंपोजिशन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले ऐसा हमने लिया कलर को फिर से एक बार तैयार किया। इसको ध्यान रखेंगे कि हमें किस क्षेत्र में कितना क्षेत्र में बनाना है, तो इस प्रकार से इसे लिया हमने और छोटे लेवल पे इसे तैयार किया। फिर यहाँ ये एक जैसा ही, इससे अगर चाहें तो कपड़े पर भी आप अपने कपड़े पर किसी तरह का नाम लिखकर ये दो लिए। अब हम एक दूसरा छोटा सा स्टेंसिल लेता हूँ, स्टेंसिल पूरी तरह से ज़मीन में सटा होना चाहिए, नहीं तो उसके जो नहीं कटे हुए भाग हैं उससे भी रंग बाहर आ जाएंगे। अगर हम चाहें तो कुछ हिस्से जैसे हमने ये दोनों हिस्सा छोड़ दिया है, ये कुछ हिस्से हम इसे रोक देंगे। इस प्रकार से एक कंपोजिशन होता चला गया। अब इस प्रकार मैंने एक कटिंग रखा है, इसके द्वारा अब इसको बीच से कंपोज करेंगे पत्ते के रूप में। इस प्रकार और यहाँ ऊपर इस तरह का आपको एक पहले स्टोरी बोर्ड की तरह से पूरी तरह से कल्पना कर लेनी होगी कि आप कैसा कंपोजिशन करना चाहते हैं, आपके दिमाग में किस तरह का कंपोजिशन है। ये छोटे स्तर पर ये बन गए। अब इसको दोबारा दिखाइए अच्छे से। ये बन गए सर, ये इसके बाद सावर अप कर दीजिए। आपने देखा अभी कि हमने किस प्रकार से एक स्टेंसिल पर ड्राइंग को बनाया, छोटे छोटे यूनिट्स जो ड्राइंग के एक बहुत बड़े भाग के छोटे छोटे यूनिट्स हैं उनको अलग अलग प्रकार से हम स्टेंसिल पर कलर गिराते हुए फर्श पर उसे उभारते हैं। उभारने के बाद एक पूरी ड्राइंग बनकर तैयार होती है। इस पर हम ध्यान रखेंगे, अगर हम रंगोली बनाते हैं तो बीच में एक गोला सर्कल का बना लेंगे और उसके चारों ओर फिर इसी प्रकार की यूनिट्स को 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री इस प्रकार से उसको चारों ओर बनाते हुए जितना बड़ा भाग में हमको बनाना है वैसे बना देंगे। आयताकार दीवार या क्षेत्र है वहाँ पर पहले बॉर्डर देकर रनिंग डिज़ाइन जो लगातार चलती है, ऐसे डिज़ाइन बनाकर हम कम से कम समय में एक अनुपात में एक जैसा चित्र ही
पूरे क्षेत्र में बनाएंगे और उस प्रकार से अपने घर को सजाएंगे। इस प्रकार हम अपने चारों तरफ डिज़ाइन बनाएंगे और जहां दिखाना हो, किसी समतल दीवार को पूरा करना हो, रंगों से भरना हो, रंगों से भरेंगे। धन्यवाद।